फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, शूटर श्रेयसी सिंह ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, ए बीजेपी, बी आप, सी कांग्रेस या डी जेडीयू। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर के सुल्तानगंज विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भरा पर्चा। भागलपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भागलपुर की 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू की गई है। नामांकन के 4थे दिन भागलपुर के समाहर न्यायालय स्थित कार्यालय में सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के पहले प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। सुल्तानगंज के रहने वाले राजन कुमार ने निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल किया। देखिए, मुद्दा तो अभी का बेसिकली जो देखा जाए वो मुद्दा शिक्षा का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे विधानसभा में, क्योंकि नेता जो बनते हैं कुछ काम ही नहीं करते हैं विधानसभा के अंतर्गत, वो सिर्फ पार्टी का घूमते रहते हैं, गोल गोल चरण बंधन करते रहते हैं, बस यही काम रह गया नेताओं का। हमारा मुद्दा पब्लिक से रिलेटेड मुद्दा होगा, हमारे विधानसभा में जो कानून व्यवस्था है उससे रिलेटेड हमारा मुद्दा होगा। और जो पब्लिक को दिक्कत होता है, जैसे नाला का सफाई नहीं होना, फिर शिक्षा में टीचर्स जो हैं विधानसभा के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं उसके अंतर्गत अगर टीचर्स नहीं रहेंगे तो उनको सही ढंग से करना, इट मीन्स ऑल रिलेटेड वर्क विच इज टू द आवर पीपल आई कैन डू। मतलब आपके लिए क्षेत्रीय मुद्दा? हाँ, मेरे लिए क्षेत्रीय मुद्दा भी है, क्योंकि देखिए राजनीति में आ रहे हैं तो सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं हो सकता है, नेशनल इशूज भी हो सकता है, क्योंकि नेता जब भी हम बनते हैं तो हर इशूज को हमको मतलब उठाना है जो कि जनता से रिलेटेड होता है। क्या नाम है? राजन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? कमरगंज, सुल्तानगंज का रहने वाला हूँ। भागलपुर में कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए भागलपुर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। भागलपुर में चुनावी सरगर्मी के बीच दुर्गा पूजा और चहलुम ने प्रशासन की बेचैनी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में कोतवाली थाना परिसर से भागलपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न हिस्से से होकर गुजरी। फ्लैग मार्च लगातार निकाली जा रही है। वहीं एक और जहां लगातार फ्लैग मार्च से आम लोगों में सुरक्षा का भाव जागृत हो रहा है, वहीं अपराधियों और हुड़दंगियों की फ्लैग मार्च से सहमत आ गई है। नवगछिया एसडीओ ने सेक्टर के पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ की बैठक, दिए निर्देश, कहा बूथों पर मूलभूत सुविधाओं को अविलंब करें दुरुस्त। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार ने सेक्टर के पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गोपालपुर विधानसभा के सभी 401 बूथों पर मूलभूत सुविधा के बारे में जानकारी ली। पूर्व की बैठक में जो भी कमियां पाई गई थी उसे दूर किया गया या नहीं, सेक्टर के पदाधिकारी से इसकी जानकारी ली। उन्होंने बूथों पर पेयजल, शौचालय, बिजली एवं रैंप की क्या स्थिति है इसकी जानकारी ली। सेक्टर के पदाधिकारी ने बताया कि बूथों पर बिजली, पानी एवं शौचालय की व्यवस्था लगभग दुरुस्त कर ली गई है। कुछ बूथ जहां पर अस्थायी शौचालय का निर्माण किया जाना है एवं कुछ बूथों पर चापाकल को दुरुस्त किया जाना है। वहीं समीक्षा के क्रम में जो भी कमी पाई गई इस संदर्भ में संबंधित वीडियो को उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। पहला काम वो है 12 दिन का, 9 तारीख से 5 दिन, 9, 10, 11, 12, 13 के अंदर 5 दिन के अंदर जमा कर देना है वापस आपके यहाँ। हाँ, वो तो बीएलओ करेगा सर, बीएलओ करेगा आपको अनुसरण करना है। घर में नवगछिया लोजपा खेमे में जश्न का माहौल। जिलाध्यक्ष ने कहा खुद लड़ेंगे चुनाव। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के राजनीतिक निर्णय के बाद नवगछिया के लोजपा खेमे में जश्न का माहौल है। सोमवार को लोजपा कार्यकर्ताओं ने लोजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विभांशु मंडल के आवास पर पहुंचकर उन्हें मिठाई भेंट किया और बधाई दी। जिलाध्यक्ष डॉक्टर विभांशु मंडल ने पत्रकारों को बताया कि वे लोजपा के टिकट पर खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। लोजपा
नवगछिया सेक्टर व पुलिस पदाधिकारी के साथ जिलाधिकारी की बैठक 7 को। नवगछिया मंडल के बिहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा के सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक बुधवार को नवगछिया के गोपाल गौशाला में होगी। बैठक में जिलाधिकारी प्रणव कुमार सेक्टर के पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर हो रही तैयारी की समीक्षा करेंगे। नवगछिया के सीमा क्षेत्र में 6 जगहों पर लगाया गया स्टेटिक सर्विलांस टीम का एक चेक पोस्ट। नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमा क्षेत्र में बनाए गए स्टेटिक सर्विलांस टीम की जानकारी ली। एसडीओ ने बताया कि अनुमंडल के दोनों विधानसभा क्षेत्र में तीन स्थानों पर स्टेटिक सर्विलांस टीम को लगाया गया है। बीहपुर विधानसभा क्षेत्र के खगड़िया सीमा सतीश नगर के पास NH 31 पर, महंत स्थान चौक NH 31 व खरीक ब्लॉक के पास NH 31 पर बनाया गया है। वहीं गोपालपुर विधानसभा के कटिहार सीमा रंगरा चौक के पास NH 31, मकनपुर चौक के आगे गोसाईगांव जटाधारी चौक के पास 14 नंबर सड़क पर एवं तितरी 0 माइल चौक पर स्टेटिक सर्विलांस टीम कार्य कर रही है। इस दौरान वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। स्टेटिक सर्विलांस टीम यहां 24 घंटे वाहनों की जांच करेगी और दबंग व अपराधी आपत्तिजनक वस्तु और निर्धारित मात्रा से ज्यादा रकम और अवैध हथियार के साथ नवगछिया के दोनों विधानसभा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फेसबुक पर शैलेंद्र को भाजपा से टिकट दिए जाने की खबर वायरल होने पर भाजपा नेता ने किया खंडन। नवगछिया जिला भाजपा कार्यसमिति सदस्य गगन चौधरी ने एक रिलीज जारी करते हुए कहा कि आज कोई फेसबुक आईडी से पता चला कि इंजीनियर शैलेंद्र को बीहपुर विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है। खुद इंजीनियर शैलेंद्र ने भी अपने फेसबुक वॉल पर कार्यकर्ता को आशीर्वाद मिलने और नॉमिनेशन की तैयारी करने की बात कही है। गगन चौधरी ने कहा कि नवगछिया के कई जिला स्तर के नेता जो प्रदेश स्तर के नेताओं से वास्तविक जानने का प्रयास किया तो पता चला कि अभी बीहपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी का नाम घोषित ही नहीं किया गया है। प्रत्याशी का विधिवत घोषणा 7 अक्टूबर को किया जा सकता है। गगन चौधरी ने कहा कि बीहपुर विधानसभा से भाजपा के कई दावेदार हैं, ऐसे में उनका मनोबल तोड़ने की साजिश की जा रही है। पार्टी जिसे टिकट देगी वह सिरोधार्य होगा, लेकिन अफवाह फैलाना सही बात नहीं है। श्री चौधरी ने कार्यकर्ताओं को अफवाह से बचने की अपील की है। नवगछिया मोटरसाइकिल की डिक्की से चोरों ने उड़ाए 1,27,000 रुपए। नवगछिया बाजार में उचक्कों ने रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के मधुरनी निवासी वीर सिंह से 1,27,000 रुपए उड़ा लिए हैं। घटना के बाबत वीर सिंह ने नवगछिया थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वीर सिंह ने बताया कि उन्होंने नवगछिया के ग्रामीण बैंक से 2 चेक के माध्यम से 1,27,000 रुपए की निकासी की थी। रकम को मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर जैसे ही मोटरसाइकिल पर चढ़कर घर जाने को हुए तो उन्हें पता चला कि उनके मोटरसाइकिल का चक्का पंचर हो गया है। पंचर बनवाने के क्रम में वे नवगछिया स्टेशन रोड स्थित गुजानी निवासी मोहम्मद कलीम के दुकान पर गए। पंचर बनाने की बात कहते हुए वे पानी पीने चले गए और लौट कर आए तो देखा कि उनका डिक्की टूटा हुआ है और रकम गायब है। वीर सिंह का आरोप है कि मोहम्मद कलीम ने ही डिक्की को तोड़कर रकम निकाल लिया है। इधर मोहम्मद कलीम ने भी थाने में आवेदन देकर कहा है कि रकम के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इधर मामले में नवगछिया पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया है। थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने कहा कि CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है, जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। नवगछिया के तेतरी में शराब के नशे की हालत में 3 गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने शराब पीकर हो हंगामा कर रहे 3 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक में थाना क्षेत्र के तेतरी निवासी धीरज कुमार, छोटू कुमार एवं सिट्टू कुमार है। उक्त जानकारी नवगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने दी। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नंबर 9534338689, 7856914231, 6206224713। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043 67170।
अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549688888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। नवगछिया, 2 लीटर देसी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। नवगछिया की कदवा पुलिस ने छापेमारी कर ठाकुर जी कचहरी टोला कोसी धार के पास से 2 लीटर देसी शराब के साथ 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। गिरफ्तार युवक कदवा ओपी थाना क्षेत्र के भरोसा सिंह टोला निवासी विकास कुमार एवं प्रमोद कुमार है। कदवा पुलिस ने बताया कि शराब बरामदगी के संदर्भ में कदवा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। नवगछिया, 2.25 लीटर देसी शराब व 2 एल्युमिनियम का तसला बरामद। नवगछिया के रंगरा पुलिस ने छापेमारी कर थाना क्षेत्र के दियारा से 2.25 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने 2 एल्युमिनियम का तसला भी बरामद किया है। रंगरा पुलिस ने बताया कि चमकलाल मंडल के बासा में शराब बरामद किया गया है। इस संदर्भ में चमकलाल मंडल के विरुद्ध मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है। गोपालपुर के धरहरा में उज्जीवन बैंक कर्मी से छिनतई। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के धरहरा गांव में सोमवार की शाम को मकनपुर चौक स्थित उज्जीवन बैंक कर्मी से 1 लाख रुपए छिनतई कर लिया गया। बैंक कर्मी विभिन्न गांव से रुपया वसूल कर वापस अपने बैंक जा रहे थे कि धरहरा गांव के पास अपराधियों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित बैंक कर्मी द्वारा इस बारे में गोपालपुर थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। नवगछिया, 2 पक्षों में हुई मारपीट, 8 घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के मनिया मोड़ में 2 पक्षों में हुए मारपीट में 8 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट के बाद परिजनों ने सभी घायल को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। घायलों में अमीन खातून, बोयसन बोए अली खान, रोशन खातून, समीना खातून, अख्तर खातून, आमिल खान, मरियम खातून शामिल है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में घायलों के इलाज के बाद घायल मरियम खातून की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। नवगछिया, मारपीट में महिला घायल। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर में आपसी विवाद में हुए मारपीट में महिला संजो देवी घायल हो गई। महिला का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। नवगछिया के रंगरा में महिला के साथ मारपीट, थाने में दिया आवेदन, छानबीन में जुटी पुलिस। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर नया टोला निवासी रामविलास रजक की पत्नी नंदनी देवी ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट कर जख्मी करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए अनुसूचित जाति जनजाति थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ढोलबज्जा, जमीन विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट। कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रताप नगर कदवा निवासी तुलो सिंह के पुत्र सूचो सिंह व नित्यानंद सिंह के बीच सोमवार को जमीन विवाद में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में सूचो सिंह के नाक के बगल में चोट लगने से जख्मी हो गए तो वहीं उनके मुंह के नीचे की दांत भी टूट गया है। उक्त मामले को लेकर सूचो सिंह ने नित्यानंद सिंह समेत 4 लोगों को आरोपी बनाते हुए नवगछिया एसपी को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा का गुहार लगाया है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA BCom BSc पॉलिटेक्निक BTech BBA BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80 8225 6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। 1 2 3 come on। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट,
ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 72 95 830 773 93 043 67 170।